नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल हब फॉर एजू में आपका स्वागत है। टेक्निकल, एजुकेशनल और करंट अफेयर्स वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को प्रेस करें और अधिक से अधिक शेयर करें। www.udaisplus.gov.in आप इस पे जब जाइएगा तब वो आपके स्कूल का रिलेटेड इन्फॉर्मेशन उसमें भरना होता है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन भरना पड़ता है और क्या क्या देना होता है। देखिए, इसमें हमारा जो है ना स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर का इन्फॉर्मेशन जाता है, भरा जाता है, जिसमें कि आपका बिल्डिंग हो गया, क्लासरूम हो गया, आईसीटी इन्फॉर्मेशन हो गया। आईसीटी इन्फॉर्मेशन के अंतर्गत जैसे कि आपका कंप्यूटर हो गया, उसके बाद कैमरा हो गया, प्रिंटर हो गया, स्कैनर हो गया, जो भी हमारे आईटी फील्ड से रिलेटेड है वो सारा इन्फॉर्मेशन उसमें देना पड़ता है। उसके बाद हमारा प्लेग्राउंड का इन्फॉर्मेशन देना पड़ता है, यूरिनल का देना पड़ता है, टॉयलेट का देना पड़ता है, फिर अदर्स में मतलब और भी बहुत सारे हैं, जैसे कि रैंप हो गया आपके स्कूल से रिलेटेड, आपके स्कूल के सामने से दूसरे स्कूल का कितना दूरी है, इस तरह का बहुत सारा इन्फॉर्मेशन इसमें भरना पड़ता है, जो कि आपका मैक्सिमम अगर आप पहले से काम किए हुए तो मैक्सिमम आपका भरा हुआ है। और जहां आपको अपडेट करना है आप उसको अपडेट कर सकते हैं। पहला पार्ट में हमारा इन्फॉर्मेशन जो जाता है वो स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर का इन्फॉर्मेशन जाता है। दूसरे पार्ट का जो इन्फॉर्मेशन होता है उसी में हम आपको ये पार्ट वाइज इसलिए बता रहे हैं कि आप इस डेटा को कैसे जल्दी भर सकते हैं। इसलिए दूसरे पार्ट में हमारा स्टूडेंट का इन्फॉर्मेशन जाता है। तो स्टूडेंट का इन्फॉर्मेशन जो हमें भरना पड़ता है वो क्या भरना पड़ता है, तो 2021-22 में आपके विद्यालय में जो छात्र पढ़ रहे हैं उनका कैटेगरी वाइज इसमें एनरोलमेंट देना होता है, मेल फीमेल। और इसमें पिछले साल यानी कि 2020-21 के आपके स्कूल में पढ़ रहे छात्रों का रिजल्ट देना पड़ता है। तो रिजल्ट जो भरना होता है वो हमें सभी छात्रों का नहीं देना होता है, यहाँ हमें रिजल्ट देना होता है आपके विद्यालय में पढ़ रहे सबसे हायर क्लास का। जैसे कि अगर आपका विद्यालय 1-5 संचालित है तो 5 क्लास का देना होगा, अगर आपका स्कूल 1-8 संचालित है तो 8 क्लास का देना होगा, अगर आपका विद्यालय 10 तक संचालित है तो क्लास 10 का देंगे, उसी तरह अगर 12 तक संचालित है तो क्लास 12 का देंगे। तो दूसरा पार्ट हमारा जो हो गया ये रिजल्ट का इन्फॉर्मेशन है, उसी में आपका एक इन्फॉर्मेशन मांगा जाता है कि आपके पास में कितने बच्चे रिपीटर हैं, यानी कि पिछले साल में हमारे कितने बच्चे फेल कर गए थे, उसका इन्फॉर्मेशन मांगा जाता है। फिर आप स्टूडेंट को फ्री फैसिलिटी क्या देते हैं इसका इन्फॉर्मेशन भी इसमें भरना पड़ता है हमें। और एक पार्ट आता है जिसको हम लोग मिस कर जाते हैं, जैसे कि CWSN स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन, हमें डाइस में आपके विद्यालय में पढ़ रहे CWSN स्टूडेंट का इन्फॉर्मेशन भी भरना पड़ता है। तो अगर आपके विद्यालय में ऐसे कोई छात्र पढ़ रहे हैं जो CWSN कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप उसका इन्फॉर्मेशन उसमें भर सकते हैं। और थर्ड पार्ट, तीसरा पार्ट जो रहता है वो हमारा टीचर इन्फॉर्मेशन है, इसमें हमारे विद्यालय में सभी शिक्षकों का इन्फॉर्मेशन देना पड़ता है। मूलतः ये कुछ बिंदुए हैं जो मैंने आपको UDAIS प्लस के संबंध में बताया है, बाकी जब आप उसको अपने आईडी पासवर्ड से साइट पे ओपन कीजिएगा तो आपको उसमें इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो अब हम लोग चलते हैं कि साइट पे हमको कैसे लॉगिन होना है और वहां पर जो समस्या आएगा वो हम आपको बताते हैं। देख रहे हैं हमने UDAIS प्लस का वेबसाइट को ओपन करके रखा है, इस बार कुछ लुक में चेंजेस हैं जो आप लोगों को हम बताएंगे। कुछ लोगों को लॉगिन करने में समस्या है, जो कि आप लोगों के द्वारा बराबर मैसेज किया जा रहा है कि लॉगिन करने में समस्या आ रही है, तो लॉगिन करने में ऐसा कोई समस्या नहीं, बस इसमें थोड़ा सा एक प्रोसेस को चेंज किया गया है जिस कारण से हम लोगों को दिक्कतें आ रही है। तो हम लोग देखते हैं, ये हमारा वेबसाइट ओपन हो गया UDAIS+.gov.in करके, आप जो अपने ब्राउजर में उसको URL में भरिएगा और फिर जब एंटर कीजिएगा तो आपके पास ये इंटरफेस आ जाएगा। सबसे पहले हम लोग इसको एक बार इंटरफेस का अवलोकन कर लेते हैं ताकि हमें ये पता चले कि क्या क्या इसमें दिख रहा है नया कुछ ऐसा। आप यहाँ पर देखिएगा पहले से कुछ अपडेट किया गया है और हमको सबसे पहले ये जानना कि लॉगिन कैसे होना है। हम यहाँ पर जब लॉगिन करते हैं तो कुछ इस तरीके का आ रहा है और हम लॉगिन नहीं कर पाए। तो सबसे पहले चूंकि हम लोग जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर हम सिर्फ यहाँ पर लॉगिन पर कर्सर को लेके जा रहे हैं, बार बार हम आपको दिखा रहे हैं लॉगिन पर सिर्फ हम कर्सर को लेके जा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे, कर्सर को सिर्फ हम वहां पर रखे हुए हैं। उसके बाद आपके पास देखिएगा नीचे आपके पास एक खुल रहा है UDAIS+ डेटा एंट्री फॉर
एनुअल ईयर 2021-22, नीचे आपका सिलेक्ट स्टेट ऑप्शन है और फिर नीचे हमारा कुछ और इन्फॉर्मेशन है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर सिलेक्ट स्टेट पे जाएंगे। यहाँ पर जाकर चूंकि हम लोग को झारखंड स्टेट है तो झारखंड को सिलेक्ट करते हैं, लेकिन फिर भाग गया तो फिर हम यहाँ पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर जाके इसको ग्रो करते हैं। इस तरह से मतलब आपको आएगा, यहाँ पर आपको तनाव नहीं लेना है, ठीक है। एकदम जस्ट यहाँ पर हम लोग कर्सर को रखना है, यहाँ पर सिलेक्ट स्टेट करना है और इसके बाद हमें यहाँ पर ग्रो करना है। ग्रो करने के बाद हमारा जो डाइस प्लस के यहाँ हमारे स्कूल के डीसीएफ का एंट्री होगा उसका हमारा पार्ट ओपन हो गया और यहाँ पर आप देखिएगा कि यूजर आईडी और पासवर्ड मांगा जा रहा जो आपको पहले से विभाग द्वारा प्रदत्त है और आपका यहाँ पर कैप्चा जो आपको सामने में दिख रहा है उसको भरना होगा, फिर लॉगिन करेंगे हमारे विद्यालय का जो डाइस प्लस है वो खुल जाएगा। अब इसके बाद हम आते हैं कि कई लोगों को हो सकता है कि आपको यहाँ पर दिक्कत हो, कर्सर को आप ले जाके बार बार हो सकता है कि नहीं कर पा रहे हैं, तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। थोड़ा सा नीचे आते हैं, यहाँ भी देखिए यूडाइस प्लस डेटा एंट्री फॉर एनुअल ईयर 2021-22 लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ भी हम चाहें क्योंकि यहाँ पर बार बार आपको देखिए कर्सर रहता है, यहाँ पर आपका ये नहीं हो रहा, जैसे हमारा यहाँ पर कर्सर को रखने पर ब्लिंक करके ये आता है एक पेज, ठीक है, और हमारा यहाँ पर क्या है कि डायरेक्ट हमारा शो हो रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिलेक्ट स्टेट में झारखंड सिलेक्ट करेंगे और फिर इसको ग्रो करेंगे। दोनों ही परिस्थिति में हमारा वही पेज खुलता है और यहाँ पर हम अपना यूजर आईडी देंगे, फिर हम यहाँ पासवर्ड देंगे और कैप्चा देंगे। यूजर आईडी पासवर्ड के संबंध में मैं आप लोगों को कुछ बात शेयर करता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको अभी तक यूजर आईडी पासवर्ड नहीं मिला है तो आप अपने प्रखंड कार्यालय से संपर्क करके यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट, अगर आपको यूजर आईडी और पासवर्ड मिला हुआ है और अभी आप खोज नहीं पा रहे हैं तो उसके संबंध में भी मैं आपको बताता हूं कि अगर आपको पिछले साल मिला है तो यूजर आईडी पासवर्ड आपको कहां से मिलेगा। अगर आपको पिछले साल यूजर आईडी और पासवर्ड विभाग द्वारा दिया गया है तो वो यूजर आईडी और पासवर्ड आपके द्वारा दिए गए मोबाइल संख्या और आपके द्वारा दिए गए ईमेल आईडी में उपलब्ध है। आप अपने मोबाइल के मैसेज बॉक्स में जाकर सर्च कर सकते हैं अपने स्कूल के डाइस कोड से, आपको वो मिल जाएगा। अदरवाइज आप अपने स्कूल के मेल आईडी या फिर आपने जो भी मेल आईडी वहां पर दिया हुआ हो उस मेल आईडी में भी यूडाइस प्लस करके सर्च करेंगे या फिर आपका स्कूल का डाइस कोड देकर सर्च करेंगे तो आपका जो है यूजर आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा। और फिर भी अगर मान लीजिए किसी परिस्थिति वश आपका यूडाइस का यूजर आईडी और पासवर्ड खो गया है तो आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं। हम सभी लोग क्या करते हैं, जैसे यूजर आईडी पासवर्ड खो गया अब हम लोग विभाग को सूचित करते हैं कि हमको यूजर आईडी पासवर्ड मेरा खो गया है, अब हम क्या करेंगे कैसे करेंगे समझ में नहीं आ रहा है और उस चलते हमारा काम डिले हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग काम को डिले नहीं करेंगे क्योंकि हमारा काम जो है बहुत महत्वपूर्ण है। हम आपको आज एक टेक्निक बता रहे हैं यहाँ पर कि आप तुरंत अपना यूजर आईडी और पासवर्ड खुद से ही प्राप्त कर सकते हैं। खुद से ही प्राप्त करेंगे, कैसे करेंगे इसके बारे में हम आपको इन्फॉर्मेशन अभी देते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि स्क्रीन पर हमारा ये पेज खुला हुआ है और हमको यूजर आईडी पासवर्ड मिला हुआ है और अगर हम यूजर आईडी पासवर्ड दे रहे हैं बार बार और हमारा वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है या फिर मेरा खो गया है गलत हो रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में हम नए यूजर आईडी और पासवर्ड को कैसे पा सकते हैं। लेकिन ये उसी परिस्थिति में काम करेगा अगर आपको विगत वर्ष में यूजर आईडी और पासवर्ड विभाग द्वारा प्रदत्त किया गया है, ठीक है, याद रखिएगा ये उसी परिस्थिति में काम करेगा। तो ऐसी परिस्थिति में हम क्या करेंगे, आप ध्यान से देखिएगा स्क्रीन पर, यहां पर देखिए फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन है तो हम लोग क्या करेंगे फॉरगेट पासवर्ड के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। फॉरगेट पासवर्ड के ऑप्शन पर क्लिक करने पर हमारे पास एक पेज खुलेगा यहां पर, ठीक है। अब देखिए यहां पर आपका यूजर आईडी मांगा जा रहा है तो यूजर आईडी जो है ना सभी विद्यालय का यूडाइस कोड ही यूजर आईडी है तो आप यहां पर अपना यूजर आईडी भरेंगे अर्थात आपके विद्यालय का यूडाइस कोड। उसके बाद आप यहां पर आपने जब प्रथम बार यूजर आईडी और पासवर्ड के लिए विभाग को पत्र लिखकर दिए होंगे तो आपने अपना मोबाइल नंबर भी वहां पर दिए होंगे तो आप यहां पर अपना मोबाइल नंबर भरेंगे और मोबाइल नंबर भरने के बाद फिर आप यहाँ पर कैप्चा जो है बगल में लिखा हुआ है यहाँ पर रेड कलर का, कई लोग कैप्चा खोजने लगते हैं कि कहाँ पर है तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ, यहाँ देखिए दिख रहा है ये हमेशा चेंज होता है
और इस पे यहाँ पर इसको हम लिख देंगे जैसा यहाँ पर लिखा हुआ कैपिटल स्मॉल जो भी रहेगा, और इसको सबमिट करेंगे। सबमिट करने के उपरांत आपके दिए गए मोबाइल संख्या या पूर्व में आपका दिया गया मेल आईडी पे आईडी और पासवर्ड चला जाएगा, यानी कि विद इन 2 मिनट के अंदर में या 1 मिनट के अंदर में हमको यूजर आईडी और पासवर्ड मिल गया। अब इसी यूजर आईडी और पासवर्ड के लिए हम लोग काफी ज्यादा परेशान थे, तो मैंने आपको ये बताया कि आप किस तरीके से अपने यूजर आईडी और पासवर्ड को तुरंत पा सकते हैं। और अगर किसी ने भी अभी तक यूजर आईडी और पासवर्ड नहीं लिया है तो आप विभाग से जाकर संपर्क करके, प्रखंड कार्यालय से संपर्क करके अपना यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर ले, ताकि आपको ऑनलाइन काम करने में सुविधा हो। अगर आपको हमारा दिया गया इन्फॉर्मेशन अच्छा लगता है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।